ईश्वर में यदि आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। जैसा कि आप सभी ने देखा भी, कैसे लोग अपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर आते हैं मेडिटेशन करने। हम पहले देखा करते थे, पहले लोग अपने आप के लिए समय निकालते थे, परिवार के लिए समय निकालते थे, कुछ सोचते थे अपने बारे में, खुद को जानना चाहते थे। लेकिन आज की भागती दौड़ती जिंदगी में, रफ्तार भरी जिंदगी में लोग बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हम कैसे खुद को जान सकते हैं? दुनिया को तो सभी जानना चाहते हैं, लेकिन खुद को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम खुद को कैसे जानें? अध्यात्म से कैसे जुड़े, कैसे मेडिटेशन करके ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान परम पूजनीय श्री कमलेश जी पटेल जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार जी। थैंक यू। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि आज की जो जिंदगी है वो बहुत भागती दौड़ती जिंदगी है, इसमें कैसे खुद के लिए वक्त निकाला जाए, कैसे अध्यात्म से जुड़ा जाए? तो बहुत शानदार है जी। हमारी जो फिलॉसफी है सहज मार्ग के अंदर, श्री रामचंद्र मिशन जो अभी हार्टफुलनेस से जाना जाता है, उसमें आध्यात्मिकता में भी इतना जोश नहीं देते हैं और भौतिकता में भी, लेकिन हम दोनों में एक तरह के समन्वय लाना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता में भी इतना न डूबे कि हम अपनी भौतिक जीवन की जो जवाबदारियां हैं उसको भूल जाए। जंगल में जाके रहो और माँ बाप यहाँ घर में पीड़ित होए, उससे तो भगवान नहीं मिलेगा। और आध्यात्मिकता में भी इतना डूब न जाओ ये सब जिम्मेदारी भूल जाए, और भौतिकता में भी इतना न डूबे कि हमारी जो खास आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, अपनी जवाबदारी है अपने जीवन की, अपना अस्तित्व की, मैं जीवन की नहीं बोलता हूँ, अस्तित्व की जो जवाबदारी है वो आध्यात्मिकता ही साधी जाती है। तो ध्यान करने से हमें इतना तो पता चल जाता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यहाँ श्री कृष्ण भगवान कर्म की बात करते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि मुझे जाना है मुंबई, मुंबई जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेने के लिए कुछ पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? तो मुझे कर्मफल मालूम है कहाँ जाना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा कर्मफल को आगे रखे हुए। देर आर नॉट ओनली वन कर्मफल बट देर आर सो मेनी। बच्चे के टिकट, पढ़ाई के लिए भी पैसा लाना है, वाइफ को कुछ चाहिए उनके लिए भी लाना है, घर को संभालना है, तो ये सब फल हो गए। हम जब काम करते हैं तो फल की आशा तो रखेंगे ही, लेकिन काम कर्म और श्रम में बहुत फर्क है। उस युग में, श्री कृष्ण भगवान के युग में, कर्म का कुछ और मीनिंग था। जैसे इसलिए श्रम और कर्म दो अलग शब्द बन गए। श्रम का मतलब है हम जो कुछ भी करते हैं शारीरिक मानसिक ढंग से, कुछ खेत में कुछ लगाया तो हमें आशा तो रहेगी कि हमको ये चाहिए, चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, वो श्रम हो गया। कर्म ब्रह्म विद्या के बारे में है, जो भी कुछ करें हम ब्रह्म विद्या के बारे में, अपनी तपस्या करें, साधना करें, ध्यान करें, वो सब एक ही फील्ड में आ जाता है। तो उसका परिणाम ईश्वर के हाथ में, वो दर्शन दे या न दे उनकी मर्जी। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि उनके शरणागति में आ जाओ। जब आप उनकी शरणागति में आ गए तो आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। तो ये ब्रह्म विद्या के बारे में है। तो क्योंकि कई युवा लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये श्लोक कैसे आएगा, हम कुछ नहीं करेंगे और आशा नहीं रखेंगे, लेकिन ये दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग शरणागति कि आई कैन नॉट डिमांड दर्शन ऑफ लॉर्ड, इट हैज टू बी उनकी मर्जी से ये उनके दर्शन होने हैं, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट।
बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आपने एक मार्ग दिखाया, ऐसे ही गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हम सभी के जीवन में। प्राचीन काल में हम देखा करते कि गुरु शिष्य परंपरा से ही चीजें चली आ रही थी। गुरु जो ज्ञान दिया करते थे उसका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जब हम देखते हैं, लोग टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा जुड़ गए हैं कि गुरु से ज्ञान भी टेक्नोलॉजी के जरिए ही पाना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है, क्या मानना है, क्या ये पद्धति भी सही है, क्या इससे भी उतने ही भावपूर्ण तरीके से जुड़ा जा सकता है जैसे पहले जुड़ा जाता था? नहीं, हर चीज की लिमिटेशन होती है। टेक्नोलॉजी से हम बाहर ये चीज सीख सकते हैं, अंदरूनी जो चीज है इतनी नहीं। जैसे हम गुरु के साथ बैठते हैं, ध्यान करते हैं, उसका असर कुछ और ही होता है। हमारे सत्संगी लोग भी देखते हैं, जब कोविड के टाइम में हम जूम से या यूट्यूब से सत्संग करवाते थे, असर तो था ही था, आदत बनी रहती है, शांत मन भी हो जाता है। लेकिन जब हम साथ में मिलके ध्यान करते हैं, उसका असर भी तो कुछ और ही है। यानी कि जब हम साक्षात्कार होते हैं, जब हम सामने वाले से मिलते हैं, बात करते हैं, गुरु से कुछ सीखते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता। आइए अब गुरु जी के बारे में जानते हैं। दाजी, आप हमें ये बताइए कि आपका इस तरफ ध्यान केंद्रित कैसे हुआ, स्पिरिचुअलिटी की ओर? आपने कब सोचा कि मुझे अब इस ओर ही आगे बढ़ना है और इसी मार्ग पे मुझे कुछ करना है? इसके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि बचपन से ही कुछ एक तरह की इच्छा हुआ करती थी कि सब क्या है, मैं क्यों हूँ, दुनिया क्यों है। एनीवे, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की किताबें पढ़ के ऐसा लगता था कि हाँ, ऐसे गुरु मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन रोना भी पड़ता था क्योंकि ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे अब। तो अपने आप खुद बुक किताबें पढ़ के ध्यान कर लेता था अनटिल 1976 व्हेन आई वाज 19 इयर्स ऑफ एज। तो एक बार मेरा मित्र मुझे मिला और बोलने लगा, कमलेश भाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तेरे को ध्यान नहीं लगता है, मैं देखता हूँ दूर से, चल मैं एक प्रशिक्षक या प्रिसेप्टर के पास ले जाता हूँ जो आपको ध्यान में एकदम डुबा देगी, आप ध्यान में ही हो जाओगे। बोला ठीक है, इसमें कुछ लॉस तो है नहीं। मैंने पूछा कितना पैसा लेंगे, देखिए वो लोग पैसा चार्ज नहीं करते हैं, गुरु दक्षिणा पहले नहीं मांगी जाती, और बाद में देना धन देना वो आपकी मर्जी है, फूल या फल दे लो, बहुत हो गया। तो हम तो चले गए 1976, ध्यान उन्होंने करवाया, बहन थी द्रौपदी देवी अग्रवाल जो प्रशिक्षक थी ये श्री रामचंद्र मिशन की। पहले ही जो सेशन रहा हमारा उनके साथ, उससे इतना समाधि लग गया कि पूरी बेहोशी हो गई, पूरा शरीर है या नहीं वो भी महसूस बंद हो गया, पूरा एकदम खालीपन हो गया। और अंत में ऐसा लगा कि श्री रामकृष्णा परमहंसा, उनकी ग्लो दिखाई पड़ी कि गोल्डन ग्लो, और हाथ दाएं हाथ से बाएं हाथ से ना बाएं लेफ्ट हैंड से आशीर्वाद देते हुए लग गए। तो तभी लगा मुझे कि मेरा अभी रामकृष्ण मिल गया, जो थे रामचंद्र जी फ्रॉम शाहजहानपुर, और उन्होंने वो प्राणाहुति से ये ध्यान की पद्धति में एक तरह का नवा रिवॉल्यूशन ला दिया। हम ऑर्डिनरीली ध्यान करते हैं, और जब ध्यान हम प्राणाहुति से करते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। पहली बार भी जो ध्यान करने लगा है, पहला ही सेशन में उसको ध्यानमय की हालत आ जाएगी, और बाद में धीरे 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 अपने जितना रस या तड़प है अपने हृदय में ईश्वर के प्रति, उस पर निर्मित है। कहते हैं कि यदि आप गंगा में एक डुबकी लगा लो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जब पहले मंदिरों की भी स्थापना हुआ करती थी तब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। जब भी हम मंदिर जाते हैं एक हमें अलग ही अनुभव होता है। कई लोगों की आंखों से तो आंसू भी निकलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए हैं।
वो स्थिति, वो परिस्थिति क्या होती है? क्योंकि कई बार जब हम घर में बैठ के अपने घर के मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, वो अनुभव, वो अनुभूति हमें नहीं होती है जो मंदिर में जाने के बाद, वहाँ दर्शन करने के बाद होती है। वैसा ही अनुभव होता है, वैसा ही हल्कापन महसूस होता है उस मंदिर से बाहर निकलने के बाद कि आज हम ईश्वर से अपनी सारी गलतियों के सामने मान के आ गए हैं। तो ये क्या शक्ति होती है? ये शक्ति अपनी मान्यताओं पर आधारित है। यदि हम में एक श्रद्धा है कि यहाँ ईश्वर का स्थान है, यहाँ पवित्रता है, और हमारे जैसे कई लोग वहाँ आके ऐसी ही सोच से, ऐसी ही श्रद्धा से जब आंखें बंद करते हैं, अब देखो सब आंखें क्यों बंद करते हैं? तिरुपति या ऐसे बड़े 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 स्थानों पे, पूजाओं के स्थानों पे लोग 8 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे की लाइन लगाते हैं और फटाफट 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 पकाते हैं, लेकिन उनकी जो श्रद्धा होती है, आते ही आंख बंद हो जाती है और अंदर अपने हृदय में कुछ फलीभूत होता है, उसकी उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं ना, तो आंख ऑटोमेटिकली बंद क्यों हो जाती है? जिसके लिए हम दर्शन के लिए इतना लाइन में खड़े रहे। और मंदिरों में क्या होता है कि बहुत लोग की भावना, श्रद्धा एक ही होती है, तो इसे एक तरह का एटमॉस्फेयर या माहौल क्रिएट हो जाता है, और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की उस पर भी आधारित है। हर मंदिरों में उसका जो डिवाइन चार्ज होता है अलग है। जो ऋषि मुनियों ने मंदिर में चार्ज लगाया था, वो एक संकल्प से लगाया था कि ये चार्ज इतने सालों तक रहेगा, ये चार्ज, और चार्ज धीरे 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 खंडित भी होता जाता है जैसी जैसी एक्टिविटीज़ उस पर भी आधारित रहता है। आजकल मंदिर बनते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन योगिक संकल्प बिना उसमें चार्ज, आप जितने भी बोलते रहो होएगा नहीं। जो अपनी योगिक कैपेसिटी या ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है, वो ही उसमें प्राण डाल सकता है। मूर्ति तो बोलने वाली नहीं है कि मुझ में प्राण आए कि नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो प्राणाहुति से हम ध्यान करवाते हैं, उससे तो आपको अनुभव होगा ही, और अनुभव नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि इनमें प्राणाहुति की वो फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं है, वो इंस्टेंटली एक ही सेशन में आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान जो हम करते हैं, उसको साइंटिफिक से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। साइंस कैसा कि आप एक दिन आधा घंटा बैठ जाइए वही प्रोसेस से, वही प्रक्रिया से, दूसरे दिन वही प्रक्रिया लेकिन प्राणाहुति के साथ आप ध्यान कर लो और दोनों में फर्क देख लो। ऐसे ही तो साइंस में रिसर्च होती है, न्यू मेडिसिन जो बनती है उसको प्लेसिबो के साथ करते हैं, जहाँ कुछ होता नहीं दवा और दूसरे में दवा होता है ना, तो दवा का असर कब पड़ जाएगा वो पता चल जाएगा सी। तो इसी तरह हम अनुभव करते हैं, ये पूरा अनुभव की बात है। ऐसे ही हमें ईश्वर का भी अनुभव होता है। हर व्यक्ति की एक अलग दिनचर्या होती है, हर व्यक्ति को अपने समय को अलग अलग हिस्सों में बांटना होता है और उसी के अनुसार वह अपने पूरे जीवन में हर दिन एक अलग कार्य को करता है। दाजी, आप हमें ये बताइए कि हर व्यक्ति जो खुद से भी दूर होता जा रहा है, वो अपनी जो दिनचर्या है उसका मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे करें ताकि वो खुद से, परिवार से जुड़ सके? खुद से दूर होना वो महापाप है, क्योंकि खुद के लिए भी वक्त नहीं है आज की जिंदगी में। हम जब कहते हैं कि स्वास्थ्य किसका अच्छा है, और स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य का मतलब है क्या? स्व में जो स्थायी हुआ है, बाहरी चीजों में जो स्थायी हुआ है वो मेंटली गया, उसका मन हमेशा बाहरी रहता है। जो स्व में स्थायी है, लेकिन कोई कहे कि मैं बाहर जा रहा हूँ स्व के लिए, लेकिन स्व के बाहर जाना
उससे आपकी आत्मिक उन्नति तो होने ही वाली नहीं है। हाँ, फिजिकली कहो या हम फाइनेंशियली कुछ अर्न कर सकते हैं या फॉर फिजिकल सेटिस्फैक्शन हम बाहर जा सकते हैं, वो भी गलत है। हम स्वयं स्थायित होके भी बाहर जाके काम कर सकते हैं, जैसे उसको हम क्रियायोग कहेंगे। क्रियायोग का मतलब है कि हम कुछ भी क्रिया करते हैं फिर भी हमारा मन वो कमल के पत्ते जैसा रहता है, वो क्रिया में डूबता भी नहीं, काम करता रहता है, उससे बिगड़ता भी नहीं है या उछलता भी नहीं है। तो अगेन गीता की फिलॉसफी ऐसी, और ऑटोमेटिकली ये ध्यानमय हालत से ही होती है। जब हमने ध्यान किया सुबह और बाद में जो ध्यानमय हालत चली रहती है, तो उससे हमारा मन अपने स्व पर केंद्रित होके काम कराता रहता है। दुनियावी चीज़ों में भी खाना बनाना, खाना या पढ़ना या पढ़ाना, वो सब कुछ अपने आप वो ध्यानमय हालत में होता रहता है। ऑफकोर्स कोशिश तो हमारी करनी चाहिए, ऑटोमेटिक तो कुछ होने वाला नहीं है। शुरू में हम कोशिश करते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं या कार सीखते हैं या स्कूटर सीखते हैं, कोशिश तो होएगी ही, लेकिन बाद में वो नैसर्गिक प्राकृतिक या ऑटोमेटिक हो जाता है, इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। हम क्रिया योग की बात कर रहे हैं, यदि हम योग की बात करें तो हम ये जानना चाहेंगे कि योग क्या सिर्फ व्यायाम का एक माध्यम है या योग के जरिए हम अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। He's asking good questions. Because आजकल एक फैशन कहो या एक तरह की चाल जो दुनिया में चल रही है, आसन किया, शीर्षासन किया, प्राणायाम किया, और लोग समझ बैठते हैं हमने योग कर डाला। योग का मतलब है यज्युति इति योगा, और दूसरा भी है कि योग में अपनी चेतना अपने स्व में केंद्रित हो जाए। दूसरा भी मतलब है लोअर सेल्फ मर्जिंग विद द हायर सेल्फ, आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन। ये मिलन कब हो सकता है, राइट? हम छोटे उदाहरण देंगे कि जो लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, जैसे पानी में पानी मिल सकता है या पानी में उसके जैसी ही चीज़ उसमें डिजॉल्व हो सकती है, लेकिन पानी में ऑयल मिक्स करोगे तो नहीं होएगा। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का रियलाइजेशन, ईश्वर दर्शन वो तभी होता है जब वो बिंदु है या पानी का बूंद है वो समंदर में समा जाए, तो वो समंदर बन जाता। वो एग्जांपल ऐसा देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि समंदर में कुछ ऑयल का बूंद गिर जाए तो क्या मर्ज होएगा? रिजल्ट तो कभी नहीं होएगा। तो ईश्वर भी, ईश्वर प्राप्ति भी ऐसे ही, हम जब तक उनके जैसे हमारी क्वालिटीज़ नहीं बनेगी, मीन्स कि हमारे में जो कमियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होगी, और जो कमियां उनमें है, आई मीन जो क्वालिटीज ईश्वर में है वो हम में भी आ जावे, तो दोनों का मिलन इजीली हो सकता है। नहीं तो बोथ आर इनकॉम्पिटिबल, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, वो इनकॉम्पिटिबल हस्बैंड के एंड वाइफ क्या होता है, लड़े ही रहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 3 चलता ही रहता है हर एवरी डे, तो उसमें कहीं शांति नहीं है। तो विश्व में भी अपने हृदय में अपना मिलन ईश्वर के साथ एक बार हो जाए तो हमेशा के लिए सुख है, चैन है, शांति है। क्या बात है, ईश्वर के साथ यदि मिलन हो जाए जीवन में सुख है, चैन है, शांति है। शांति के लिए हमेशा कहा जाता है संगीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, मेडिटेशन के लिए भी संगीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कैसे आप ये हमें बताएं? मेडिटेशन के लिए शून्यता की आवश्यकता है, शांति। बाद में मेडिटेशन पे हमारा एक तरह का ग्रिप हो जाए, कमांड हो जाए, बाद में आवाज़ों में भी चलता रहेगा, म्यूजिक हो या ना हो उनकी म्यूजिक बन जाती है, संगीत वही बन सकती है। तो हमें कोशिश तो करनी है, जब जितना भी ध्यान करें, ध्यान के समय और कुछ आवाज़ नहीं रखना है, कोई म्यूजिक भी नहीं। कई लोग रखते हैं रागा या फ्लूट म्यूजिक या पहाड़ी म्यूजिक रख लेते हैं,
लेकिन मेरे अनुभव से की बात करता हूँ कि इवन मंत्र जब हम जपते हैं ध्यान के दरमियान, वो भी हमें डिस्टर्ब करते हैं। जी, कई लोगों का ये मानना है कि यदि हम ओम का उच्चारण करके मेडिटेशन करते हैं तो वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, तो मेडिटेशन के भी कई रूप होते हैं, तो उस बारे में भी आप हमें आप ही करके देखो, ओम 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 करते हैं तो आप ध्यान में कब डूबोगे? ध्यान को हम लूजली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन और ध्यान दोनों शब्द में बड़ा फर्क है। इंग्लिश में मेडिटेशन को बताया है थिंकिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली, एक चीज पे बार बार सोचना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन हमारा जो शब्द संस्कृत में है, हिंदी में है ध्यान, उसका मतलब क्या है कि हम एक सोच से किसी चीज पे हमारा मन लगाते हैं और वही सोच से पार होकर वही वस्तु का हम अनुभव करते हैं। जैसे हम ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं तब ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर क्या है उसकी फिक्र नहीं करते, उनका रूप कैसा है उसकी भी फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन ये जब विचार रखा कि हमने ईश्वर पे ध्यान करना है, जो हमारे हृदय में है ही है, तो विचार एक बार ऐसा बंद हो जाएगा और ईश्वर की जो क्वालिटीज है वो अपने में धीरे 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 वो एक्सपोज होने लगती है। तो वो ध्यान हमको विचार से अनुभव की तरफ ले जाती है। वो ध्यान में यदि विचार ही चालू रहे ईश्वर के बारे में तो वो ध्यान नहीं है, वो रुक गया है। सपोज आप ध्यान करो श्री कृष्ण भगवान के रूप में, कैसे करोगे? किसी चीज को आपने देखा होगा उसके बारे में ही आप सोच सकते हो, नहीं तो वो इमेजेस के बाद इमेजेस आती रहेगी। वो बार्द आ जाएगा या नया हीरो जो कृष्ण का है वो आ जाएगा, या पुरानी फिल्म का आ जाएगा, या नहीं तो जो हमने वो फोटोग्राफ्स देखे हैं वो ध्यान में आ जाएगा। क्या वो सही है? और शिव के ऊपर हम पूजा करें ध्यान करें तो कौन सा रूप लेंगे? जो फिल्म में हमने देखा किया या पिक्चरों में दिखा। तो हमारा मन जब ध्यान करते हैं ईश्वर पे तो एक तरह का न्यूट्रल भाव पे आ जाना चाहिए और कहना कि प्रभु पता नहीं आप हो या हो वही पता नहीं मुझे, एक भाव होना है ऐसे। लेकिन आपका अनुभव करना ये इच्छा तो है ही है, तड़प तो है ही है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि आप यही फॉर्म में हो तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो सच है या झूठ है वो दूसरा प्रॉब्लम है, मेरे कल्पनीय। तो आप जैसे हो वैसा मुझे अनुभव कराओ। तो इस तरह से हम धीरे 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 जितनी अपनी पवित्रता बढ़ती जाती है उतना ही हमारा मन उस चेतना की ओर डूबने लगता है। यानी कि यदि हम अपनी कल्पना शक्ति से ईश्वर को खोजेंगे तब हम जरूर ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर के पहुंचने के यदि हम तीन बिंदुओं की बात करें जो कि अक्सर आप कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कैसे हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं? पात्रता बढ़ानी है, अपनी तड़प बढ़ानी है। हम दो ही बात करेंगे, दो ही बात करेंगे, पात्रता बढ़ानी है, अपनी तड़प बढ़ानी है, और मेडिटेशन भी साथ आपको करना है। यदि आप ये सब करेंगे तो आप ईश्वर तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। जाते जाते यदि आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आज के परिपेक्ष में तो आप क्या कहेंगे, क्या संदेश है आपका? लोग कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार करो या हम कौन है, मैं कौन हूँ, खुद को जानना, एक गलत फहमियाँ हैं। ईश्वर को जान कभी नहीं सकते, जो असीमित है असीमित को कैसे जान सके, खुद को कैसे पहचाने। खुद को पहचानने में हम अपने में ही इतने बिजी हो जाएंगे कि आपका अहंकार बढ़ जाएगा, खुद को भूलने की क्रिया जारी रखें, खुद को भूल जाओ, ईश्वर को साथ में रखो। बस शरणागति जब ईश्वर से हो गई तो खुद कौन है, आप तो है ही नहीं,
तो उससे ही हमको एक तरह की रियलाइजेशन हो जाती है। तो ये अहंकार से बाहर निकलकर ईश्वर में शरणागति लेकर उनमें ही बचे रहे, उसमें ही अपनी भलाई है। और यदि आप ध्यान करना सीखोगे तो ऑटोमेटिकली हार्टफुलनेस वे आपके लिए बहुत बहुत आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। प्रीचिंग नहीं कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना है वो बताएंगे और ध्यान में ही बनाएंगे। कैसे कैसे समाधि का अनुभव होता है वो सब पहले ही सेशन से आपको वो ट्रेनिंग मिल जाती है। तो वेलकम श्री रामचंद्र मिशन, वो आपको हार्टफुलनेस वे या सहज मार्ग की पद्धति से ध्यान कराता है। हमारी ऐप भी है, गुरु के पांव भी पड़ने की जरूरत नहीं, जैसे अभी टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, लेकिन शुरू भी कर सकते हैं। बाद में आपको अच्छा लगे तो गुरु को मिलने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो प्रशिक्षक हर सिटियों में, हर शहरों में प्रशिक्षक लोग होते हैं, उनसे परमिशन लेके उनके घर चले जाओ, तो आपको ट्रेनिंग लेंगे। बिन कोई मूल्य नहीं है, कुछ उसका क्या फीस भी नहीं है जी। तो ये कहाँ आपके शहर में कौन है वो जानने के लिए आप heartfulness.org पे चले जाइए, heartfulness.org। ताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सभी के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा, और अब आप खुद के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और खुद को उससे जोड़ने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।